वार्ड 17 में पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए आरोपियों ने घर पर सरेआम एक युवक पर ईंट और रॉड से हमला बोल दिया। आरोपियों ने युवक को अधमरा कर दिया। हमलावरों से लोगों ने युवक को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन हमलावर उसके पैरों पर लगातार रॉड से ताबड़तोड़ प्रहार करते रहे। घायल हुए युवक को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों का आरोप लगाया गया है कि आरोपी उसके मकान पर कब्जा करना चाह रहे थे, जिसको लेकर वह उस पर हमला बोल रहे हैं, उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले भी आरोपी उस पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। सोहना से संजय राघव की रिपोर्ट। मामला था, कैसे चोट लगी है? जनाब, मैं ऊपर छत पर गया था अपनी पर, पर इन्होंने के पुरानी खुनस निकालने के चक्कर में मेरे ऊपर मुझसे वो गोपाल भी चढ़ गया, इसका बड़ा लड़का छोटा भी और इसकी माँ भी, कि भाई मेरी बहू माँ भी वो कर रहा है। क्या क्या चोट मारी है तुम्हारे? रोड मारी मुझे भगाना चाहते हैं। अच्छा, ये जगह हमें दे दो। तो ये जगह के चक्कर में लड़ाई झगड़ा? जगह के चक्कर में कितने लोगों ने मारपीट करी हो तुम्हारे साथ? मेरे बाबूजी 5-7, इनके पूरे घर परिवार। क्या क्या, क्या, क्या लेकर आए थे? किसी से पिटाई करी है? बाबूजी मोहल्ले पड़ोसी वाले ने समय पता हुआ जो गेट मारा, रोड मारी है। अच्छा, रोड रोड ईंट मारी है, ईंट फेंक के इसकी मां ने। पूरा ये पड़ोस में कोई रहता नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, और ये पड़ोसी हमारे रोज लड़ाई करते हैं। हर तीसरे दिन ये कब्जा करना चाहते हैं, ये कहते हैं कि क्योंकि और कोई है नहीं, कहते हैं इसे खाली करो और हमें दे दो, इसलिए ये रोज रोज तीसरे करते हैं। तो आज क्या मामला हुआ था, ये जो झगड़ा हुआ? आप ये वॉशरूम में से आ रहे थे तो मैं घर पे नहीं थी, और इन्होंने रोड से भी मारा, वैसे ही मारा, ये कह रहे हैं घर खाली करो। करीब कितने लोग आए थे मारपीट करने के लिए, और क्या क्या हाथ में था उनके? उनके रोड थी, एक के हाथ में सरिया थी, और मेरे भी धक्का दे दिया जी, 5 आदमी थे वो। तो इससे पहले भी झगड़ा हुआ? हाँ जी, कई बार झगड़ा हो गया। आरोप लगाते हैं, रेप केस लगाते हैं, अब कहते हैं मेरी बहू छेड़।